नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ में दीदी माँ रीतम्बरा जी हैं। हम बात करेंगे उनसे। मैम, सबसे पहला सवाल, राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा में संत समाज में किस तरह की खुशी का अनुभव करते हैं? सारा संत समाज बहुत प्रसन्न है, सारे भक्त बहुत प्रसन्न है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग सिद्धि के द्वार पर पहुंचे, क्योंकि जो संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि का मंदिर बने, और अपनी उस चाह को पूरा होते देखना सबका सपना था, और वो सपना पूरा हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा आह्लाद है, बहुत ही ज़्यादा आनंद है। अभी आपका वक्तव्य हम सुन रहे थे, राजस्थान में मैं दौरे पे इसलिए हूँ, मैं बार में मैं दौरे पे इसलिए हूँ कि जो रेगिस्तान बन रहे हैं बच्चे, इसको रिपीट करें। मैं ये कह रही हूँ कि हम भारतीयों की संतानें जो है वो तुलसी के पौधे हैं, जिनको संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए, उन्हें वासनाओं की शराबों से नहीं सींचा जाना चाहिए। धर्ममय होना, मनुष्य बनना, सबके लिए कर्तव्य निर्वाह करना, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना, और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना, ऐसा संस्कार हमारी संतानों को मिले, उसका अगर हमने प्रयत्न किया तब तो ठीक है, नहीं तो हम भारतीयों की संतानें रेगिस्तान की रेत में जैसे नदी खो जाती है ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए वो हमारी संपत्ति की ही संवाहक नहीं होती, विरासत में परंपरा भी उनको मिलती है, और उस धर्ममय परंपरा का भी उनको संवाहक बनना होता है। ये हम भारतीयों की जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना है। CAO हो, NRC हो, जो भी है, उसको लेकर के परेशानी या प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से परेशानी, कैसा क्या देखें? देखिए, परेशानी सत्य से है, और सत्य ये है कि इस देश को मजबूत करने वाली जो प्रक्रिया चल रही है वो कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जो ये नहीं होने देना चाहते। हमारा पड़ोसी देश कभी भी हमारे देश में शांति नहीं चाहता, और उनके ये षड्यंत्र चलते रहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि विदेशी और पड़ोसियों की षड्यंत्रों का शिकार हमारे देश के नागरिक जब मोहरा बनकर हो जाते हैं या उसे उसको प्रमाण चढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए बात ये नहीं है कि पड़ोसी हमारा शत्रु है, बात तो ये है कि घर के अंदर ही आस्तीन में हमने सांप पाले हुए हैं, उनके प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात का विचार करती हूँ कि राष्ट्र धर्म प्रबल हो, और देश में हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक है, देश हित राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, ये वातावरण बनना चाहिए। राजनीतिज्ञ तो आज है कल नहीं है, राजनीति भी तो तभी चलेगी जब देश होगा, इसलिए देश सर्वोपरि है। इसलिए विघ्न संतोषी ना बनिए, और छोटे छोटे लाभों के लिए भारी नुकसान, भारत में एकात्मता का जो ताना बाना है उसे नष्ट करके नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मदी पंथ के लोग हों, सिख पंथ के लोग हों, ईसाई पंथ के लोग हों, अन्य और संप्रदायों के लोग हों, हम सब माँ भारती के लाल हैं, हमारा DNA एक है, क्योंकि देश की मिट्टी और देश के पानी ने ही हमें बनाया है, और देश के प्रति वफादारी रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। और अगर मोदी जी से किसी तरह का ईर्षा द्वेष राजनैतिक कारणों से है तो वो राजनीति का ईर्षा द्वेष होगा ना, भारत का विरोध करना ये कौन सा ईर्षा द्वेष है? अपनी माँ से द्रोह करना, अपने ही देश की पीठ पे खंजर घोंपना, अपनी ही ऊर्जा को विरुद्ध लगा देना, ये तो उचित नहीं है। और किसी दूसरे के हाथ का मोहरा बन के बेवकूफियां करना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि CA जैसा कानून शरणार्थियों को शरण देने का है, किसी की नागरिकता छीन लेने का नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये जो ड्रामा हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। एक अंतिम सवाल, दिल्ली की राजनीति में हनुमान जी की एंट्री कैसे? कैसे दिल्ली की राजनीति में अभी जो चुनाव चल रहे हैं, परिणाम आना बाकी है, एक दिन से बचा है, लेकिन हनुमान जी की एंट्री काफी हुई अरविंद केजरीवाल ने। हनुमान जी तो सबके हृदयों में रहने चाहिए, वो केजरीवाल के हृदय में भी रहने चाहिए, वो राहुल के हृदय में भी रहने चाहिए, वो सबके हृदय में रहने चाहिए। और एंट्री क्या, वो कोई सुपरस्टार है कि कोई ड्रामा चल रहा है और एंट्री हो गई? बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अब जनता को मूर्ख मत बनाइए, जनता समझदार है, जानती है, लेकिन ये जो हम लोग तो छोटी छोटी बातें करके अपने देवी देवताओं को भी बीच में लाते हैं, ये बड़ा विचित्र लगता है। व्यक्तिगत रूप से कोई धार्मिक हो सकता है, अच्छी बात है, मेरी अपनी निष्ठाएं हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी राजनीतिज्ञों का बड़ा राष्ट्र धर्म यह है
कि वो अपनी दलगत राजनीति के हित के लिए देश की एकात्मता और संप्रभुता को दांव पे ना लगाएं। आप हनुमान भक्त हैं, अच्छी बात है, पर पाकिस्तान आपकी सफलता पे क्यों खुश हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हनुमान जी की गदा भी पकड़िए, हनुमान जी का चालीसा भी पढ़िए, हनुमान जी की भक्ति भी करिए, पर यह बता दीजिए कि आपकी सफलता पाकिस्तानियों को खुश क्यों करती है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक, तो ये थे दीदी माँ जिन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे राजस्थान में मेवाड़ के दौरे को लेकर किया, और उनका यही कहना था कि हमें देश हित में सोचना चाहिए।